नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शुभ पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि मंत्र, स्रोत और जप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए, तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा सा या बहुत देवतार्पण बुद्धि से जो कुछ भी दिया जाए अथवा किया जाए, वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है। तपस्या और दान, ये दो कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए, तथा अब ऐसे ग्रह का दान करना चाहिए जो अपने वर्ण चमक दमक की सफाई और गुण सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान करने वाला होता है। कल तक यहाँ तक था, अभी आज का पाठ शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये पाठ मैं जो कर रही हूँ एक शिव पाज है, मंदिर के लिए है। और उससे पहले रामचरितमानस का पाठ सुनने के लिए आप मेरे पीछे के पाठों को देख सकते हैं। मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है रामचरितमानस के नाम से, तो वहाँ जा कर देख सकते हैं आप। उसके शॉर्ट वीडियोस भी हैं, शॉर्ट वीडियोस भी मैं डालती हूँ। तो उस दिन का क्या एक क्या मोटिव है, कि आपका उद्देश्य है उस दिन का जो मैंने पाठ पढ़ा है उसमें क्या है, तो उसको जानने के लिए आप भले शॉर्ट वीडियोस देख लीजिए या फिर उसके उसको मतलब जानने के लिए पूरा संपूर्ण पाठ जानने के लिए आप मेरे पूरे पाठ को देख सकते हैं। तो यही है, आप जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार एंड मित्रों को भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। जैसा कि आपने पीछे मेरा साथ दिया हुआ है, ऐसे ही आगे तक साथ देते रहिए। मेरा उद्देश्य ये पूर्ण हो जाएगा, मैंने मंदिर के लिए कर रही हूँ, शुभ का आ जाएगी। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। आप लोग बताते भी हैं और जो लोग नहीं बताते हैं वो भी बताया करें कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। तो अब शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तथा कि वह अतिशय मात्रा में और सब प्रकार के भोग प्रदान कराने वाला होता है। उस दान से विद्वान पुरुष इहलोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है। ईश्वर अर्पण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष फल का भागी होता है। तो अभी ये पूर्ण होता है। अब आज चलेंगे कि पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल, तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन आगे बताया गया है शिव पुराण में। ये मेरे हाथ में शिव पुराण है, मैं शिव पुराण से ही आपको बताती हूँ, ऐसे कुछ नहीं है अपने मन से या किसी दूसरी छोटी मोटी बुक में देख करके, ऐसा नहीं है, शिव पुराण से बता रही हूँ मैं आपको। तो अब शुरू करते हैं आज का पाठ। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो सूत जी कहते हैं, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों का देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो।
पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभिष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह से प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। शोभाचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अघैन के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुंडल लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुंडल और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्त शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर, ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र वार पूजा करने से द्विज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और एक उंगल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुंडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1000 प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई गई है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्त होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल संपन्न करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभिष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों की पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मंत्र मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके आवांतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। द्विजो तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास की शतविशा नक्षत्र में आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्र दिनों में 100 या सहस्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्य को पुत्र एवं अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला होता है।
विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाला समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें बुद्धि और शय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्य को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यदि माध्यान्ह के तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग मित्रों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्यान्ह काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्राह्य होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।